आप सबने अपने आसपास दीवारों पर छिपकली को चिपके और चलते हुए तो देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि आखिर ये कैसे संभव हो पाता है कि छिपकली बिना किसी समस्या के कितनी भी चिकनी सतह पर आसानी से चल पाती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ छिपकली के इस गुण के पीछे का विज्ञान साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत में लोगों का मानना था कि छिपकली के पंजों में एक अजीब लिसलिसा पदार्थ होता है जिससे ये आसानी से चिकनी सतह और दीवार पर चल पाती है, पर समय के साथ यह तथ्य झूठा साबित होता गया। कुछ समय पश्चात एक नई अवधारणा और आ गई, वह थी कि छिपकली के पंजों एवं दीवार के मध्य निर्वात, यानी कि दीवार और पंजों के बीच एक छोटा सा जगह बनता है जिसे निर्वात कहते हैं। इसके वजह से वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने में चल जाती है। पर अवधारणा ये भी गलत प्रमाणित हुई। उसके बाद जंतु वैज्ञानिकों द्वारा कई शोध किए गए जिनमें उन्हें कई ऐसी भी जातियां मिली जिनमें पंजों के मध्य कोई निर्वात नहीं था, यानी कि पंजों के बीच कोई भी गड्ढे वाली जगह नहीं थी। तो जंतु वैज्ञानिकों ने पुनः शोध करना शुरू कर दिया। दुनिया में छिपकली की लगभग 6,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें अधिकतम में शोध करने के उपरांत जो निष्कर्ष निकला वो बेहद ही चौंकाने वाला है। शोधकर्ताओं ने बताया कि छिपकली के पंजों में बाल के जैसे अंदाजन 2 लाख से अधिक अति छोटे सेल्फ जैसे रचनाएं पाई जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती, ये जो महीन संरचनाएं होती हैं वो स्वयं 2,000 से अधिक भागों में विभक्त होती है। क्योंकि वो अत्यंत महीन होती है इसलिए छिपकली कितनी भी चिकनी सतह पर हो वो चल ही जाती है। इस तरह छिपकली किसी भी प्रकार की सतह पर अपनी पकड़ को अत्यंत मजबूत बना पाती है और बिना गिरे चल पाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।